chilling center. We'll collect it to a 500 liters. To cover 5000 liters the cup, we'll collecting center provide it. Then we'll chilling center 10,000 to 20,000 liters per day we chilling. After chilling the milk is delivered to the dairy plant through the milk tankers. First assignment है आपका milk collecting center. Milk collecting में क्या करना है आपको, एक just एक room बनाना है. रूम का साइज आपका इंटरनल साइज जो है 4 मीटर बाय 4 मीटर का रूम साइज है. 20 सेंटीमीटर थिक वॉल है और कॉर्नर्स में पिलर्स बनाए गए हैं. जो आपको सिंबल बताया गया था पिलर का, 30 बाय 30 का पिलर है. कॉर्नर्स में चारों कॉर्नर्स में, रूम के चारों कॉर्नर में आपको पिलर प्रोवाइड करना है. दीज आर द पिलर्स एंड ये मैंने रूम बनाया जस्ट 4 मीटर बाय 4 मीटर का रूम है. इसमें आपको डोर प्रोवाइड करना है. डबल डोर है, डोर एंट्रेंस 1.5 मीटर का डोर है. और देन विंडो प्रोवाइड करनी है. विंडो भी आप 1.5 की ले सकते हो या 1 मीटर की भी ले सकते हो. दिस इज ए विंडो सिंबल. रूम में ये मैं रूम में जस्ट ये ऊपर वाला विंडो जो है वो केस ओपनिंग है. जस्ट आप जैसे सर्विस विंडो देखते हो पब्लिक पार्लर्स वगैरह में, इसमें डाउ फ्रेम केस ओपनिंग 1.5 मीटर की है. दिस इज ए एंड दिस इज ए शेल्फ फॉर डिलीवर द प्रोडक्ट फूड रखने के लिए. दिस इज ए प्रोवाइड शेल्फ. जैसे मिल्क पार्लर की बाहर की साइड में जो है रूम के बाहर एक सर्विस विंडो प्रोवाइड, सर्विस विंडो के साथ एक शेल्फ प्रोवाइड की गई है. दैट इज 20 सेंटीमीटर का सेम लीजिए या 10 सेंटीमीटर का लीजिए, ठीक है. इसकी जो है लेंथ जो है आप अप्रोक्सीमेट कुछ भी ले सकते हैं. लेंथ भी जो 1 मीटर ले लीजिए और विड्थ जो है 10 सेंटीमीटर है और लेंथ 1 मीटर है. देन दिस इज ए वेव बाउल. वेव बाउल 30 सेंटीमीटर का आया एंड देन सिटिंग स्टूल वगैरह कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं. दीज आर कैंस की सिंबल्स है. सर्कल सर्कल दीज आर कैंस सिंबल एंड दिस इज ए बल्ब. मिल्क कलेक्ट करने के लिए मिल्क कूलिंग सीधे मिल्क कूलर फॉर चिलिंग द मिल्क. दिस इज ए मिल्क कूलर. ये दिस डायमेंशन 1.5 एंड 2.5 एंड दिस इज ए शेल्फ. शेल्फ का जो विड्थ है दैट इज 60 सेंटीमीटर. लेंथ आप कुछ भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट. जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक आप शेल्फ प्रोवाइड कर सकते हैं. इसमें क्या है, फार्मर्स ब्रिंग्स द मिल्क फ्रॉम द कंटेनर देन यू सी रिसीविंग के बाद आपने इसमें वेव आउट करना है. वेव आउट करने वेव करने के बाद आपने इसको स्टोर कर दिया मिल्क कूलर में. इसको आप ठंडा करने के बाद देन डिलीवर टू द मिल्क चिलिंग सेंटर. दिस इज ए मिल्क कलेक्टिंग सेंटर 500 लीटर्स पर डे. देन दिस इज आल्सो ए मिल्क कलेक्टिंग सेंटर. कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है. दिस इज आल्सो ए रूम. 20 सेंटीमीटर थिक वॉल है इसमें रूम में. और दिस इज रिसेप्शन डॉक. रिसेप्शन डॉक का फ्लोर लेवल जो है रेस्ट लेवल होता है. इसमें 3 स्टेप्स आप बनाती हैं. 3 स्टेप्स प्रोवाइड करके और इसका विड्थ जो है 1 मीटर है. दिस स्टेप्स की जो विड्थ है फर्स्ट एक स्टेप जो है वो दैट इज गार्डिंग फ्रेम 25 सेंटीमीटर. फर्स्ट स्टेप एक स्टेप जो है आपका 25 का होगा. देखिए आपने 3 स्टेप्स हैं दैट इज 75 और दिस इज ए रिसेप्शन डोर. दिस इज आल्सो सर्विस विंडो केस ओपनिंग. यहां से मिल्क आया आपने डिलीवर किया देन टू नंबर दिस इज रूम के अंदर आपको पिट प्रोवाइड किया गया है. पिट के साइड्स में जो है चेंज प्रोवाइड की गई है. दिस इज सिंबल ऑफ चेंज. पिट के साइज में आपने चेन बनाना है. ओनली 1 mm की ये सिंबल्स में आपने जस्ट सर्कल सर्कल चेन्स में साइड में चेन प्रोवाइड की गई है. सर्कल आपने इसमें चेन्स के अंदर दिखानी है. और पिट के अंदर एक बल्ब कूलर है. 3 नंबर इज बल्ब कूलर और 2 नंबर इज स्ट्रेनर. स्ट्रेनर इज जार छन्नी. जैसे आप दूध लेते हो छान के दूध जस्ट दिस इज द स्ट्रेनर. आपने यहाँ से मिल्क रिसीव किया स्ट्रेन किया 2 नंबर पर देन कलेक्ट किया बल्ब कूलर. इसको ठंडा करने के लिए पिट के अंदर पानी है.
मतलब रूम के बाहर की साइड आपने कंडेंसिंग यूनिट बनाना है, इसमें भी ऊपर जाने के लिए जस्ट स्टेप शो किए गए हैं, 5-6 स्टेप्स आपने इसमें दिखाने हैं। और पिट में उतरने के लिए इधर आल्सो स्टेप्स 6-7 स्टेप। पिट जो है 1.2 मीटर बिलो द फ्लोर लेवल, पिट की डेप्थ कितनी रहेगी 1.2 मीटर बिलो द फ्लोर लेवल। नेचुरली 1.2 मीटर डीप आपको जाना है, तो 6-7 स्टेप्स आपको चाहिए। वन स्टेप तो मैंने बताया आपको 25 सेंटीमीटर का स्टेप रहेगा, और जब उसकी डेप्थ दिखाती है दैट इज कॉल्ड द राइज, दैट इज आपके 20 सेंटीमीटर। जब पिट में उतरने के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे राइज से 20 सेंटीमीटर, और जब आप रिसेप्शन डोर में जो स्टेप्स दिखाएंगे दैट इज ट्रेड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज ए कलेक्टिंग सेंटरिंग है। आफ्टर मिल्क आपने इसको कलेक्ट किया, देन चिल कर लिया, चिल करने के लिए आपने कंडेंसिंग यूनिट का यूज किया, फिर उसके थ्रू थ्रो मिल्क पंप के थ्रू आपने उसके बाद मिल्क टैंकर, मिल्क टैंकर के थ्रू आपने इसको डेयरी प्लांट में शिफ्ट कर दिया है। ये आपको इसका स्कैन कॉपी मैं आपको एमएसपी में डाल दी जाएगी, आपको उसको देख के आपने बनाना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें जो भी लगता है आपको, इसका रूम जो है 6 मीटर बाई 6.5 मीटर का है, इस वाले का, और ये रूम जो है वो 4 मीटर बाई 4 मीटर का है। ये कोई फिक्स साइज नहीं है, आपको 6 मीटर 6 मीटर भी ले सकते हो, 7 मीटर भी ले सकते हो, कोई ऐसा स्टैंडर्ड साइज नहीं है। आपको 6-7 कुछ भी ले सकते हो, इनर लीजिए, वॉल की थिकनेस आप अंदर की साइड भी ले सकते हो, बाहर की साइड भी ले सकते हो। और इसको विद स्केल आपको बनाना है, कैसे भी आप बनाना है स्केल आप अपने हिसाब से लीजिए। 1 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर भी मान सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से स्केल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट जो आपको मैंने लिया है 1000 लीटर का, और सेकेंड जो है आपका मिल्क कलेक्टिंग सेंटर है कैपेसिटी 3000 लीटर पर डे, इसका कैपेसिटी जो है वो 3000 लीटर पर डे। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स है वो आपको करनी है, और लास्ट डे की अभी जो असाइनमेंट्स हैं वो भी अभी मुझे कंप्लीट सभी स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं करिए, आप प्लीज उनको सबमिट करिए, नहीं तो आपकी ग्रेडिंग